बुधवार की सुबह हुई मूसलाधार बारिश के कारण यहां विभिन्न स्थानों में जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। मंडलसेरा सहित कफलखेत, नदी गांव, बिलोना आदि स्थानों में जलभराव के कारण राहगीरों को भारी परेशानी हुई। इन स्थानों में कई घरों तथा दुकानों में भी पानी घुसने से घरों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। परीक्षा देने जा रहे बोर्ड परीक्षार्थियों को भी जलभराव की समस्या से गुजरना पड़ा। नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया। इधर लोगों ने जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। देखिए सर, मेरे विचार से जो ये अभी आपका दृश्य देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मानवजनित भी है और प्रशासन की अनदेखी भी है। मानवजनित इस प्रकार से क्योंकि हम लोग खुद अनदेखी कर रहे हैं कि नालियाँ हमारी बंद रह रही हैं, चौक रह रही हैं, इस कारण से ये अंजाम हमें देखना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं और सरकार और जनप्रतिनिधियों की भी इसमें अनदेखी है, क्योंकि लगातार इतने करीब 5-6 वर्षों से लगातार ऐसी स्थिति यहाँ की जनता देख रही है। तो प्रशासन और जनप्रतिनिधि ऐसा समझ रहे हैं कि हम लोग इसके आदि हो चुके हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अगर थोड़े प्रयास शासन की तरफ से किए जाएँ और कुछ हम प्रयास करें तो काफ़ी अच्छा बेहतर निष्कर्ष निकल सकता है। TCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।